एनएनआई 24 न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं अब्दुल अजीज। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री व बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे स्वर्गीय बच्चा पाठक, जिनको लोग सेरे पूर्वांचल भी कहते हैं, कि 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र के कदम चौराहे पर एक कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें जिले के सभी दलों के लोग उपस्थित होकर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक चीज जो अच्छी तरीके से याद है, हम लोग छोटे थे, वो मंत्री रहते थे, विधायक रहते थे या नहीं रहते थे, कई चुनाव जीते हारे थे, लेकिन हम लोग को याद नहीं थी जब हम लोग गांव पे रहते थे, क्षेत्र से, पूरे क्षेत्र ही नहीं पूरे जनपद से, पूरे बलिया से लोग आते थे हमारे गाँव में और 400-500 लोगों की भीड़ लगी रहती थी और सुबह 6 बजे से ही वो एक बड़ा सा दत्वन लेके और पूरा हर एक इंसान से व्यक्तिगत मिलना, 500 लोग हैं वो एक एक लोगों से मिलना, आपका क्या काम है, आपका क्या काम, और उस काम को कराना और उसके बाद कराने के बाद उसका संज्ञान लेना, ये उनकी खूबी थी। वो ऐसा नहीं था कि अपने कार्यकर्ताओं का काम सुने और कह दिए कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये संज्ञान मिले थे। तो यही सब चीज़ें उन्होंने उनसे सीखा है। 7 बार विधायक होना, 2 बार मंत्री होना, ये छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में आप देख सकते हैं कि लोग एक बार जीत रहे हैं तो दूसरी बार मौका नहीं, उनका दूसरी बार इतना विरोध होने लग रहा है कि या तो पार्टी टिकट काट दे रही है या फिर वो चुनाव लड़ के हार जाने। तो ऐसी स्थिति में 7 बार कोई तभी बन सकता है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए ही जीता हो और मरता हो, तो वो पक्ष के बाहर बहुत सी चीज़ें, क्योंकि उनकी राजनीतिक करियर में हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों से, उनके कार्यकर्ताओं से, उनके मित्रों से जब भी हम लोग बैठते हैं तो वो लोग उनकी बातें, उनकी कहानियाँ बताते रहते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए ना दिन देखते थे, ना रात देखते थे, ना धूप देखते थे, ना छाव देखते थे, और जब भी ज़रूरत रहती थी, जैसी ज़रूरत रहती थी, वो उनके साथ खड़े रहते थे। यही कारण है कि वो इतना लंबा राजनीतिक जीवन जिए, इतनी कीर्ति उपलब्धि प्राप्त किए, और बलिया ही और जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में उन्होंने अपना नाम